वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चने की दाल गोश्त की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए मैंने ये आधा किलो गोश्त लिया है, ये मैंने दो दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, इसको स्लाइस कर लिया है। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है एक चम्मच, और ये मैं नॉर्मल लाल मिर्च ली है एक चम्मच। दो चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधी चमची मैंने हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट है और एक चम्मच अदरक का पेस्ट है। नमक हज पे ज़रूरत, ऑयल मैंने आधा कप लिया है। पैन के अंदर मैं आधा कप तेल डाल रही हूँ, के अंदर जो मैंने स्लाइस की थी प्याज वो डाल दूँगी। इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक तलूँगी। ये मैंने थोड़े गरम मसाले लिए, मैंने आधी चमची काली मिर्च ली, दो स्टिक मैंने दालचीनी लिए, और इसी तरह पाँच छः जो है वो लौंग लिए, आधी चमची काला ज़ीरा है, एक बड़ी इलायची और तीन छोटी इलायची है। इन सबको मैं प्याज में डाल दूँगी। प्याज हमारी आधी तल गई है, अब इस टाइम पर हम गरम मसाले डाल देंगे, इसको हम चलाएँगे। ये प्याज हमारी तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर हम ये मैंने लहसुन का पेस्ट था ये डालूँगी, अदरक पेस्ट डाल दूँगी और गोश्त डाल दूँगी। तो मिक्स करेंगे इसी तरह, इसको मैं 5 मिनट फ्राई करूँगी। 5 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए, ये हमारा गोश्त अच्छी तरह से तल गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर और सॉल्ट। इन सबको डाल के हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट इसको हम भून लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 कप पानी डाल देंगे, इसको गलने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं इसको। शुरू में इसको हम फुल फ्लेम पे रखेंगे ताकि पानी हमारा बॉयल हो जाए, उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। गोश्त गलने तक पकाना है इसे, बीच बीच में हम इसे खोल के चलाते रहेंगे। ये आधा कप चने की दाल है, इसको मैंने सिंपल सादे पानी में बॉयल कर लिया है। ये गल गई है तो मैंने इसको निकाल के ठंडा कर लिया है। ये गोश्त हमारा गल गया है तो हमारा ये अच्छी तरह से भून भी गया है। अब इस टाइम पर हम इसके अंदर चने की दाल डाल देंगे। इसमें मैंने दाल डाल दी है, अब इसके अंदर मैं आधा कप पानी डाल दूँगी। मैं थोड़ी हरी मिर्ची डाल रही हूँ उसके अंदर और थोड़ा धनिया की पत्ती डाल रही हूँ। इसको डाल के मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि दाल के अंदर हमारा नमक और मसाले चले जाएँ। 5 मिनट हो गए, मैंने इसको ढक्कन खोला। अब इस टाइम पे मैं जो है इसके अंदर बिल्कुल 1/4 चम्मच आधी चम्मच के करीब जो है वो गरम मसाला डाल दूँगी। इसको मैं मिक्स करूँगी। गरम मसाला डालने के बाद हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि फिर ये काला हो जाएगा। अब इसके अंदर हम बघार लगाएंगे। अब मैं बघार लगा रही हूँ, उसके लिए मैं 1/2 कप असली घी डाल रही हूँ। मैं इसके अंदर अब प्याज डालूँगी, एक छोटी प्याज लेके मैंने इसको स्लाइस कर लिया, एक छोटी हरी मिर्च डाली है मैंने काट के। उसके बाद मैं 1 टीस्पून जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं धनिया की पत्ती डालूँगी थोड़ी, 1-2 हरी मिर्चें डालूँगी। अब उसके बाद मैं बघार लगा दूँगी, जो प्याज मैंने ब्राउन की थी उसका ही बघार। यह हमारा दाल गोश्त तैयार है।